24 का है सर हमने, पर करंटली जो उसका पूरा पूरा कर डेसिमल में लीजिए आ रहा है सर, उसका आ रहा है 2.2 बोलकर, मतलब 2.5 दिन में होगा सर। कीजिए तो सही, पूरा कीजिए पहले एक्स इक्वल जब सर, तक हम ये सर आगे का सबको सवाल सेट बता कर दीजिए ना लेंगे। सर, बाद में सुनवा रहा है। एक्स के वैल्यू निकल के हमारे पास ना आगे देखना है, मोहन अकेले काम को कितने दिन में करेंगे। कल से यहाँ पे बैठा है, पेना वेना ये चलाना नहीं है इसका। सॉरी सर, सर हमारा फर्स्ट टाइम आज ही लगा था ये, और हमने आज तीन जहाँ पर था ऐसे ना, जब तक वहां पर 25 रख के ऐसे देखे करेंगे, पेंसिल करेंगे ऐसे करेंगे, वैसे करने करेंगे कर रहे क्यों रहे आप ऐसे दूर से पहले। सर बताइए ना उसके आंसर। कितने दिन में करेंगे बोलते करेगा ये मोहन है और ये सोहन, तो हैं, तो पच्चीस इसको को कन्वर्ट कर दिए 125। फीसद के हिसाब से 125 लिख दिए क्योंकि परसेंट था, तो दो जी 25 जरा 125 हाँ को 125 माइनस 100 हो जा रहा है, तो 75 आ जा रहा है। मोहन को डायरेक्ट 100 बता दिया, हाँ उसके बाद को 100 से निकल जाएगा, 125 ले लेंगे ये और क्वेश्चन उसको है कि 100 मोहन और ले सोहन, मोहन की कार्य क्षमता कैपेसिटी सोहन से 25 गुना ज्यादा है, अगर सोहन काम को 20 दिनों में कर लेता है तो बताइए दोनों। अब यहाँ दो कंडीशन है, मोहन अकेले कितने दिन में काम करेगा और सोहन और मोहन मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो जो गिवन यहाँ पर है तो 25% जो है, तो परसेंट को फीसद जो है फीसद, तो उसमें फीसद की वैल्यू में ऐसे लिख देंगे, 1 नहीं लिखते हुए 100 लिख देंगे और 25 नहीं लिखते हुए 125 कर देंगे उसमें, इसके हिसाब से। पच्चीस में 25 मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, इनमें हमें दोनों कुछ ज्यादा लिए हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे हम यहाँ पर मोहन, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने सोना। अब ये कार्य क्षमता पर आधारित है, थोड़ा सा ध्यान देना है आप, कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन की मान लीजिए 100 है तो इसकी क्या हो जाएगी, 125। क्यों? क्योंकि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मोहन की जो कार्य क्षमता है वो सोहन की कार्य क्षमता का 25% अधिक है, तो 125 कर दे, ठीक है ना, 125%, ठीक है, 25% अधिक का मतलब 125/100 कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर आगे दिया है, यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, तो यहाँ जब हम जानते हैं कि 20 दिन काम करता है तो 1 दिन का काम कितना हो गया, 1/20, ये भी मैंने पहले जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी बताया कि आएगी, तो इनटू कर देंगे हम 125/100, ठीक है। अब इसको हम काट दें, तो यहाँ जब इसको काटेंगे 5 को 20 और यहाँ 25/25, 125 और 2500 को 100, तो बराबर क्या आ गया आपका, 1/16। यानी सर मोहन की कार्य क्षमता कितनी आ गई आपकी, 1/16, ये कितनी है, 1 दिन की आई, तो कुल कितनी होगी, 16 दिन में। यानी मोहन अकेले काम को 16 दिन में कर सकता है, बस आंसर आ गया था, आसान है। अब दोनों का पूछा है मोहन और सोहन मिलकर कितने दिन में करेंगी, तो वैसे ही
अब यहाँ पर हमें दोनों पता चले गए कि मोहन मोहन करता है 16 दिन में और सोहन करता है 20 दिन में, तो मिलकर के कितने करेंगी, तो मिलकर के क्या करते हैं यूनिट। यूनिट तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट, 16 × 5 = 80। उसी प्रकार से 20 है, 20 को 4 यूनिट, तो टोटल यूनिट दोनों मिलकर के करेंगे 9 यूनिट, ठीक है ना। तो 9 यूनिट पर डे, तो टोटल यूनिट कितना है हमारे पास, 80 यूनिट, 80/9 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 × 9 = 72, तो कितना बचा 8/9 दिन में मिलकर के काम कर रहे। तो दोनों क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था, मोहन कितने दिन में करेगा ये, मोहन अकेला करेगा 16 दिन में, और ये दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, 8/8। या वर्षी माझा पगार वाढवला ना, और उसके सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करा कर। ओके, क्वेश्चन से थोड़ा सा ये क्वेश्चन लीजिए। एक सैनिक कैंप में, एक आर्मी कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, तो 300 सैनिक 70 दिन के बाद किसी मतलब दूसरे कैंप में चले गए, अब वो खाद्य सामग्री बच्चे सैनिकों के लिए कितने दिन चलेंगे। डिफरेंट है यहाँ पर, एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, 500 ग्राम प्रति सैनिकों के हिसाब से, आधे किलो के हिसाब से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी यहाँ पर, 200 दिन तक की प्रति सैनिक इंडिविजुअल लेवल पे 500 ग्राम के हिसाब से, और टोटल सैनिक कितना था, 950, खाना टोटल दिन का 200, 200 दिन, अब 300 सैनिक उसमें से 70 दिन के बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए, अब ये खाद सामग्री बच्चे सैनिकों के लिए कितने दिन तक चलेगी। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कि कुल सैनिक कितने, तो कुल 250 सैनिक। अब यहाँ पर यदि मैं एक चीज कहूँ आपको कि कुल खाद्य सामग्री कितनी है आपके पास, या 200 दिन के हिसाब से और 500 ग्राम का इंटू कर देंगे तो आपकी कुल खाद्य सामग्री आ जाएगी। क्यों, जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास दो व्यक्ति है, हम लोग दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति और एक दिन में एक एक रोटी खाते हैं, तो एक दिन में कितने खाएंगे हम, दो रोटी, और चार दिन के लिए हमारे पास रोटियां पर्याप्त हैं, तो 4 × 8 यानी हमारे पास कुल रोटियां कितनी है, 8 रोटी। तो उसी तरह से यहाँ पर वो कह रहा है कि 950 व्यक्ति हैं, 200 दिन तक रहेंगे, 500 ग्राम खाएंगे, तो सैनिक दिन तक इन लोगों ने खाया ना खाना, 70 दिन तक ये लोग खाएंगे खाना, तो 70 दिन के बाद हमारे पास अब कितने दिन बचे, 130 दिन बचे, तो हमारे पास 950 लोगों के लिए 130 दिन तक 500 ग्राम यदि हम खाना खिलाएंगे तो खाना पर्याप्त है, तो अब 130 दिन तक हमारे पास इतना बचा है। लेकिन अब इस बचे हुए को कितने लोगों को खाना है, 300 चले गए सैनिक, तो कितने लोग खाएंगे, अब 600
950 में से 300 चला गया तो कितने दिन तक चलेगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। यानी इसका अब इसमें भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें से इसको हमने क्रॉस कर दिया, कट गया, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 53 65 ये 5 बार, पांच का इसमें भाग दीजिए, 5 कम 5 5 9 45, यानी 190 दिन के लिए खाद्य सामग्री पर्याप्त है। क्लियर? देखो 130 दिन के लिए तो पहले ही से पर्याप्त है ना, 950 लोगों के लिए, लेकिन 300 चले गए तो इससे कम नहीं रहेंगे, 130 तो ज्यादा ही रहेंगे ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर ये सही है। इतने कम टाइम में नहीं हो सकती सर। नहीं, सिंपल क्या है ना, क्वेश्चन को पढ़ते बैठने में या घबराहट में इसमें नहीं आ रहा है। पहले क्या है, एक सैनिक कैंप में आपके पास डिजिट देखना क्या क्या है, 500 ग्राम क्या है सैनिक की दर से, तो 500 ग्राम सैनिक की दर से हमने दर यहाँ पर लिख दिया, और टोटल सैनिक कितने थे, तो टोटल सैनिक है 950, तो 950 यहाँ लिख दिया। दिन कितने कितने दिनों खाना था, 200। अब इसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या आ रही है, 300 सैनिक, ये 300 सैनिक यहाँ लिख दिया हमने 70 दिन बाद, तो 70 यहाँ से माइनस कर देना है, वो कितना आ गया 130, और ये आ गया 100, ये 950 माइनस 300 650, ये 650 हो गया, ये चले गए। अब इसको कैलकुलेट करने में पहले क्या किया गया कि पहले 950 यहाँ पर जो था सीक्वेंस में, उसके बाद 200 एंड 500, इसको मल्टीप्लीकेशन करके इसमें जैसे हम ले रहे थे, तो ये हमने एक कंडीशन रखी बस पहले। दूसरे में हमने क्या किया, 950 को जब हम सॉल्व करने में आए दूसरे स्टेप में, तो वहाँ से हमने 200 के हिसाब से जो 70 चले गए, तो 130 वहाँ पर रख दिया, और 500 500 ग्राम की सामग्री तो सबके हिसाब से है कि अपनी जगह, तो ये वहाँ पर आ गया। अब इसको जो डिवाइड करना है ये वाली कंडीशन है दूसरा, पहले वाली सिर्फ स्टेटमेंट है, दूसरे वाले में क्या किया कि जब उसको डिवाइड किया गया तो हमारे पास टोटल बचे हुए सैनिक कितने थे, ऊपर थे कुल सैनिक, और डिवाइडेड बाय बचे हुए सैनिक थे 650, मल्टीप्लाई बाय जो 500 जो सामग्री थी वो, तो 500 500 ये कॉमन था, तो इसको कट कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर 130 और 650 तो 0 0 कट हो गया, और ये 13 65 के हिसाब से यहाँ पर ये 5 हमारे पास आ गया, जिस हिसाब से यहाँ पर क्या बचा था, हाँ, तो उस वजह से जो आंसर आ गया। तो वैल्यूएशन को जो जो दिया हुआ है ना, जैसे हम इससे पहले हमने कौन सा सॉल्व किया था, सीटिंग अरेंजमेंट, तो हम क्या करते थे कि क्वेश्चन देखते नहीं बैठे रहते थे, उसमें से जो वैल्यूज है वो ले लेते थे, तो सेम उसी तरह कोई भी तरह का क्वेश्चन है उसके अंदर भी, तो वहाँ से आपको गिवन क्या है हमारे पास वो ले लेना सबसे पहले, वो गिवन लेने के बाद जो गिवन नहीं उसको क्वेश्चन मार्क, जैसे हमारे पास पहले कितने दिन काम किया नहीं था तो उसको कंसिडर कर दिया एक्स, ये क्वेश्चन मार्क वैल्यू रख दिया उसमें, तो इस तरह से हम काम करते चल सकते हैं। अब उसके बाद इसके बेस पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इस पे एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से, 500 की जगह क्या है 900 में दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए, तो कितने टोटल सैनिक थे 330, उसके लिए 35 दिन है यहाँ पर, ये तीन स्टेटमेंट पहले आ गए कि खाद सामग्री थी 100 दिन बाद, अब यहाँ पर दूसरा 100 दिनों के बाद, तो दिन कितने कम हो गए, पहले 900 दिन है सर, 900 ग्राम, पहले 900 ग्राम प्रति व्यक्ति, ग्राम से लिखना है उसमें, जी लिख दीजिए जीएम, और उसके बाद में 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद सामग्री थी, उसके बाद के 10 दिन बाद कुछ और, असल में 35 वो मराठी का जो खात्मा है वो है, वो 110 नहीं, 10 दिन बाद, मतलब 35 में से 10 या 25 दिन बचे बस, और उसके बाद सैनिक आ गए, मतलब इसमें बढ़े, वो लोग चले गए थे, इसमें एक चीज समझना है, वहां से गए थे और यहाँ पर आए थे, 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, अब क्या हो गया कि यहाँ पर कैलकुलेशन उल्टा हो गया, कैसे के जो 900 ग्राम सबके लिए था, अब ये लोग आ गए, तो 825 ग्राम प्रति व्यक्ति के लिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन चली, ये बता भी दिया कितने दिन चली, तो सैनिकों की 18 दिन चली, तो सैनिक कितने आए थे वो नहीं बताया उन्होंने कि कितने सैनिक आ गए, तो मतलब 900 के हिसाब से जो कैलकुलेशन रखा हुआ था, तो 825 अब सबको लगा, यानी कि उनके आने पर जो डिवाइडेशन हो गया, तो डिवाइडेशन आपको एक्चुअल क्या जाएगा वो सॉल्व करके बताना है, ऑनलाइन से भी दूसरा मैम सॉल्व करके बताइए। अभी हम कैसे वैल्यू लेंगे ये देख लेंगे पहले, सबसे पहले टू मेन के बगैर आपकी 900 into 30 into 35
डिवाइडेड बाय क्योंकि दिन 10 दिन बाद 900 ग्राम का सामग्री अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन जो हम लेते हैं 825 बची हुई वैल्यू पहले 900 ग्राम था फिर 800 ग्राम एक्स वैल्यू हमको नहीं मालूम है कितने दिन चला वहां पर रख दिया एक्स अब क्या करना है ये 18 दिन चलाना है अब इसको सॉल्व करना है अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा x की वैल्यू क्या है ये इक्वेशन रख देना है पहले अब इसको सॉल्व कीजिए पूछ रहा मैं 330 मल्टीप्लाई बाय 25 25 कहाँ से आया 35 माइनस 10 25 और उसके बाद 900 ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई अब उसके बाद दूसरी क्या है कि 330 प्लस को x और बाहर था 825 को डबल से वैसे ही लिख दिया गया अब इसको सॉल्व ऐसे किया जा रहा है 825 अब यहाँ पर आपका बच्चा 9 1 9 और 9 2 18 ठीक है ना 2 से काट दो 2 5 10 तो यहाँ पर क्या आ गया यहाँ आ गया 500 ये 500 लिख दिया ये बराबर किस साइड जाएगा तो यहाँ जाएगा 330 प्लस एक्स तो एक्स बराबर क्या जाएगा 330 माइनस आ जाएगा तो 500 में से 300 जाएगा डिवाइडेड बाय 500 जिसमें से 0 0 कट जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 50 200 और 30 और जाएंगे तो 170 ये आ गया आपका प्लस एक्स तो एक्स बराबर क्या जाएगा 330 माइनस आ जाएगा तो हाँ ये इधर चला 500 में से 300 जाएगा 200 और 30 और जाएंगे तो 170 ये आ गया आपका 170 सैनिक एक्स आ गया 170 सैनिक इतना आसान तो था मतलब उसको क्या करना है ये जो रख दिया आपने सिर्फ दो ही इक्वेशन रख रहे हो एक ऊपर जो आपके पास गिवन है इसको तो सिर्फ सिंपलीफाई किया हुआ स्टेप उसको पहले में कंसिडर कीजिए आप डायरेक्ट पहले रखकर मतलब पहले को एज इट इज दूसरे में रखा गया 330 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 10 25 और ये 900 वैसे था अब इसको जब डिवाइड किया गया तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन था 25 दिया यहाँ पर ये जो आ रहा है और ये 3 3 के हिसाब से कट गया और बाकी जो बचा था 500 ये हो गया था ये 100 मल्टीप्लाई बाय 5 ये जो कटा था इसमें 330 ये 330 और ये 330 यहाँ पर ऐसे में अब उसके बाद क्या आ गया नहीं ये अभी बाकी है कटा नहीं ये वाला ये यहाँ से कटा नहीं 825 जो है ये 330 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है देखिए बोलो 25 से वो 33 से 33 से कम 33 ठीक है 33 अब यहाँ पर आपका बच्चा 9 1 9 और 9 2 18 ठीक है ना 2 से काट दो 2 5 10 तो यहाँ पर क्या आ गया यहाँ आ गया 500 ये तो मैं से 300 जाएगा पर से10 मेन या फिर 20 फीमेल दोनों में से एक किसी काम को 13 दिन में पूरा करते 24 आदमी और 17 स्त्रियां और इसके बाद क्या आगे दुगने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे
सबसे ऊपर का क्या उस काम को 10 आदमी और 3 सॉर्टिंग वो 13 दिन में कर दे सर। अब 17 स्त्रियां अथवा मतलब क्या रहता है? दस आदमी अथवा अलावा सर, हाँ उनके अलावा मतलब साथ में मिलकर चौबीस आदमी और 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा कर। और फिर बाद में क्वेश्चन को एक बार और रीड करते हैं। 10 मेन एंड 20 वुमेन इन लोग कितने दिन में कर रहे बता किसी काम को एनी पर्टिकुलर वर्क को 13 डेज में पूरा करते कंप्लीट्स देयर वर्क इन 13 डेज। अब 24 अब सेकंड कंडीशन सेकंड है कि 24 मेन एंड 17 वुमेन उसी काम को दुगने उसके दुगने काम को उसी ने उसके दुगने वर्क दैट इज मल्टीपल ऑफ टू मल्टीपल ऑफ टू में कितने दिन में पूरा करेंगे वही काम। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। पहले हमारे पास क्या 10 मेन इज इक्वल टू 20 वुमेन ये बता दिया गया तो मतलब उसका फॉर्मूला कैसा हुआ कि एम जो था इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 10 में गया तो पहले एक मेन और टू वुमेन के बराबरी का ये इसमें आया। अब उसके बाद क्या था कि मो का और दिन दिन है ये मो मतलब क्या था वुमेन का मो मतलब हाँ मानस कितने दिन कितने लोग पर्सन यहाँ पर पर्सन भी बिलोंग कर सकते हैं पर्सन 20 फीमेल का एफ डाल सकते हैं या फिर वुमेन का डब्ल्यू है। काम काम बोले तो कौन सा है एक एक काम को क्योंकि वहाँ पर काम बताया गया और दिवस हाँ डेज 30। अब ये हिसाब से क्या किया गया 24 मेन और 17 वुमेन नजर हटी जरूरत ही नहीं आपने ट्रैफिक जाम कर दी तो यहाँ पर 24 मेन प्लस 17 वुमेन तब यहाँ पर क्या आ गया सर मेरे को वापस से बताओ आपने किए क्या देखो 10 मैन अच्छा ठीक है इधर कर दिया और ये दोनों को मल्टीप्लाई करें बाद में करेंगे बोला था उसमें क्या था कि 5 मेन और 3 लड़के मिलकर कोई काम करते तो 3 मेन और 2 लड़के मिलके उस काम को बाद में करते फिर एक आदमी और 3 लड़के कितने में करेंगे तो एवरेज ऐसे निकाल अब क्या है कंडीशन टू के हिसाब से 24 मेन ये है 24 यहाँ पे और 17 वुमेन 17 का अब 24 अब सर अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे कैपेसिटी है ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नहीं अभी अभी नहीं हुआ ये एम क्या था एम 2 वुमेन के बराबर का काम एक काम तो मतलब एम की जगह पे क्या आ गया 2W हां एम इज इक्वल टू 2W समझ गए सर प्लस 17W तो टोटल वुमेन कितने हो रहे 24 मल्टीप्लाई बाय 2 44 वुमेन 48 सवाल का यहाँ तक आया अब आया एक्स रखा इसको पहले समझा गया कि क्या था फिर उसके बाद तो हम मेल लेके या फिर वो दोनों में से एक ही लेके ठीक है ना सीखना है सवाल
एक्टिव कर दीजिए, यानी जो एक्स वाली वैल्यू है वो नीचे रहेगी, तो ऊपर क्या बचा 20 गुणे 1 गुणे 13, तो नीचे क्या आ जाएगा 65 प्लस गुणे 1 तो 13 पड़ा। अब ये बार-बार देखते हैं, मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद 2028 तक ये देखते रहना, क्योंकि आप कब तक देखेंगे। नहीं मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं, उसमें पास फेल नहीं रहता, एक दिन तो लेने पड़ेगा ना सर उसको प्रैक्टिस के लिए। अभी एक एक टाइम में तो नहीं आने वाला है सर, क्योंकि हर टाइम देखिए सर, हर क्वेश्चन अलग टाइप का है, हर क्वेश्चन अलग टाइप का। समझ गए हम, ये इसको देखिए बाकी एक और ये 13, ये जैसे हम पहले लिखते थे वैसा, और जो दूसरी कंडीशन थी 65, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ नहीं थी तो यहाँ पर 1 रखी गई, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई करने पर 5 5 और 20 तो ये 65 कैसे हुआ सर, ये 13 तो अपने काम यहाँ के रखो, क्योंकि मैंने आप क्या कर देंगे तो काम को ना दुगने काम को, क्योंकि मैंने इसको समझ लिया था कि काम को, लेकिन यहाँ है दुगने काम को, तो यहाँ 2 हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ 2 हो जाएंगे, तो यहाँ 20 गुणे 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 × 8 दिन, कुछ नहीं, यदि यहाँ दुगना दिया होता तो आपका 8 दिन उसी का शुरू कुछ खत्म हो गया क्वेश्चन, तो आपने करते हैं बस होगा सर। ये क्या है क्वेश्चन, दुगना था ना दुगना, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, अब देखिए वो जो क्वेश्चन था ये सेम पेज का ये आ गया यहाँ पे, 4 लड़के 4 मेन और 6 बॉयज वही काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो 6 मेन और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, आपके पास वैल्यू देखना है, 4 men is equals to 6 boys, तो जो men की वैल्यू रहेगी 6 divided by 4, तो इतने इसका ये आ जाएगा ऐसे 6/4, उसको वैसे रखना है, पॉइंट में क्यों ले रहे हैं, उसको वैसे रखना है। उसके बाद है 6 यहाँ पर, और ये काम था 20 यहाँ तक आ गया, तो अब यहाँ पर क्या था 6 men, m की वैल्यू क्या थी 6 divided by 4, अब यहाँ पर आएगा 6 का मल्टीप्लीकेशन, तो 11, तो ये कितना हो गया, नहीं ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इसमें प्लस होगा 6, हाँ 6 इज 36, और उसके बाद क्या आएगा डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो गया 9 प्लस हाँ 4 × 9 = 36, तो 4 × 9 = 36 ये हो गया। अब उसके बाद रहेगा 20 पुट करके और आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप जब रखेंगे तो 20 बॉय एक काम को, 20 बॉय एक काम को कितने दिन करेंगे, अब इसका 3 गुणा कर दो, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 6, जिसमें x उसको नीचे रख देंगे, 6 × 1 × 20 और यहाँ बटे में आ जाएगा 20, तो ये 20 से 20 कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपका 6, ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो बहुत ही निकालते, थोड़ा ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है, यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। यदि इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या थे, क्या थे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, अभी इसका क्या था 200 / 40, तो यहाँ पर 5 आ गया और ये 4, अब ये टोटल हो गया 9 ए और बी। अब क्या था, एक एक काम करते है अगर, क्या है क्वेश्चन, एक एक दिन काम करते है अगर पर्टिकुलरली 1 डेज, तो कितना होगा,
हाँ कितने दिन में समाप्त होंगे, तो ये कितना हो गया 2 दिन। इसको डिवाइड करना है 200 से, ठीक है, अलग अलग था दोनों, जाता है 22। अभी 2 इसको माइनस अगर कर देते 200 में से, तो ये कितना हो गया 198। ये लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। 2 यूनिट वो कौन करे, हमारा कितने दिन है, यानी 2 दिन में काम कितना होगा आपका, 9 यूनिट, ठीक है ना। ये मिलके यहाँ नहीं हो रहा यहाँ, क्योंकि मिलके तो करे भी नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं बारी बारी से, तो हम क्या कह लें इनको कि 2 दिन का काम कितना हो गया, 9 यूनिट, ठीक है ना। टोटल काम कितना है, 200 यूनिट, ठीक है ना। तो इसमें 9 का भाग दे दें, 9 का भाग देंगे, 9 दुनी 18, 9 दुनी 18, ठीक है, 22 बार तो टोटल पूरा पूरा चला गया। जितने बार पूरा पूरा चला जाता है, ठीक है ना, तो उतना आपको अलग कर लेना है। अब जब इसमें हम इसमें 9 का 22 में गुणा करेंगे तो 9 दुनी 18, 9 दुनी 18 19, मतलब 198 यूनिट तो खत्म हो गया काम हमारा। अब बचा जो हमारा 2 यूनिट, कितना बचा, 2 यूनिट, वो कौन करेगा, ई, क्योंकि तो पहले ये करा, फिर इसने किया, फिर इसने किया, फिर इसने किया, तो लास्ट में हमारे पास कितना आया कि जो दो क्वेश्चन क्या था, ए किसी काम को 40 दिन में और बी किसी काम को 50 दिन में कर लेता है, तो अगर दोनों कैसे चालू करते हैं, एक तारीख को ए, दूसरी तारीख को बी, तीसरी तारीख को ए, अल्टरनेट डेज में, तो बारी बारी से एक एक दिन अगर काम करते हैं तो पूरा काम करने टोटल कितने दिन में वो कम्प्लीट होगा, और उनकी रफ्तार के 40 दिन में और ये 50 दिन, तो 40 और 50 उसका एलसीएम यहाँ पर 5 और 4 यूनिट, ये 9 यूनिट हो गए। अब ये 200 को डिवाइड किया गया 9 से, तो ये 22 बराबर आएगा, देखिए 9 के हिसाब से, 9 2 18 2 18 अलग अलग था अकेले अकेले, तो उसके हिसाब से दो दिन वाला, ये वाला 2 दिन का है जिसमें से 198 पूरा सॉल्व होने का, और टोटल कितना बचा, सिर्फ 2 यूनिट, 2 यूनिट बचा, 2 यूनिट कौन ए चालू करेगा, क्योंकि उसका नंबर लास्ट में रहे, हाँ, शुरू होने के साथ हमारे पास 30 बचा, देखो 22 बार तो पूरा पूरा चला गया, 44 दिन, 9 को 22 से नहीं किए, 9 2 18 9 2 18 आधे लोग यहाँ ऑनलाइन शॉप हो जाएंगे, बाजू वाले भी जो है तो अड़ोस पड़ोस वाले भाग जाएंगे, 18 दिन 2 बचे, तो फिर ये 0 यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं लिख कर पूरा सिंपलीफाई बताइए, जैसे भी किए 22 आ गया, बच्चे में रिमेनिंग टू निकाल, तो यही 44 दिन तो हमारा काम पूरा पूरा चला। इसके बाद टोटल कितने दिन चला, 44 दिन, अब 2 यूनिट शेष और बच गया, तो जो 2 यूनिट जो शेष बचा वो कौन करेगा, ये करेगा, क्योंकि ये बारी बारी से कर रहे हैं, ये करेगा फ्री, तो 2 यूनिट जो है वो कौन करेगा, ये, तो 44 दिन हमारे पास पूरा हो गया, और 2/5 यानी 2 यूनिट जो बचा है वो कौन करेगा, ए, तो ए कितना करता है, 1 दिन में 5 यूनिट, तो 2/5 यानी आंसर क्या आ गया हमारे पास, 44 सही 2/5 दिन में समाप्त करेंगे, तो ये इसका आंसर है, क्लियर। तो इस भाग में बस इतना ही मित्रों, आशा कर